नमस्कार, आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। दोस्तों, ये किस्सा 80 के दशक की मशहूर एक्ट्रेस अनीता राज का है, जब अनीता राज का नाम धर्मेंद्र के साथ जुड़ा। फिल्मी दुनिया में शूटिंग के दौरान अपने कोई स्टार पर दिल हार बैठना कोई नई बात नहीं है। बॉलीवुड में ऐसी कई खबरें आईं कि शूटिंग के दौरान एक्टर्स एक दूसरे से इश्क कर बैठे। हालांकि शादी तक बहुत कम लोगों का ही रिश्ता पहुंचा। और ऐसे ही 80 के दशक की अभिनेत्री रहीं अनीता राज का नाम धर्मेंद्र के साथ जुड़ा। अनीता ने कई सारी फिल्मों में काम किया। इन फिल्मों में दूल्हा बिकता है, नौकर बीवी का, अच्छा बुरा, जमीन आसमान, करिश्मा कुदरत का, जान की बाजी, गुलामी, मोहब्बत की कसम, प्यार किया है प्यार करेंगे जैसी फिल्में हैं। उन्होंने बॉलीवुड में अपने करियर की शुरुआत साल 1982 में फिल्म प्रेम गीत से की थी और इसके बाद वो रातों रात स्टार बन गई। नौकर बीवी का फिल्म के शूटिंग के दौरान अनीता राज और धर्मेंद्र के बीच अफेयर की खबरें आईं। दोनों की नजदीकी से देओल परिवार में बखेड़ा खड़ा हो गया। फिर क्या था, विवादों से दूर रहने के लिए अनीता ने फिल्म करिश्मा कुदरत का के डायरेक्टर सुनील हिंगुरानी से शादी कर ली। बेटे के जन्म के बाद उन्होंने इंडस्ट्री से दूरी बना ली। हालांकि साल 2012 में वो एक बार फिर से लाइमलाइट में आईं, लेकिन इस बार वजह फिल्म नहीं बल्कि उनके पति का महिला से छेड़खानी का केस बना। अनीता के पति सुनील हिंगुरानी पर एक महिला से छेड़छाड़ और धमकी देने का आरोप लगा था। फिल्मों से दूरी बनाने के बाद अनीता टीवी सीरियल्स में नजर आईं। इन सीरियल्स में माया, 24, तुम्हारी पाखी, एक था राजा एक थी रानी, इना मीना डीका जिसमें रीना राय भी थी। अनीता के लुक में अब काफ़ी बदलाव आ गया है। हो सकता है कि तस्वीर को एक झलक देखकर आप भी ना पहचान पाए, लेकिन ये बात सच है कि अनीता राज अपनी फिटनेस के लिए आज भी बहुत मशहूर हैं। तकरीबन 58-59 साल की हो चुकी हैं और अब इस उम्र में भी अपनी बॉडी को अच्छी तरीके से उन्होंने मेंटेन किया है। हर रोज वो एक्सरसाइज करती हैं और इसके वीडियोस भी वो फैंस के साथ साझा करती हैं। अनीता ने फिल्मों में काम कर अपनी बेहतरीन एक्टिंग के दम पर एक अलग पहचान बनाई और आज भी उनका नाम जानी मानी अभिनेत्रियों की लिस्ट में शुमार है। लेकिन जब धर्मेंद्र से उनके प्यार के किस्से उड़े और चर्चाओं का बाजार गर्म हुआ तो अनीता ने उस पर पूर्ण विराम लगा दिया शादी करके सुनील हिंगुरानी से। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।